जहाँ जहाँ जल की पानी की अव्यवस्था थी, पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं था, वहाँ पर नल और प्याऊ लगवाने का काम किया है। जिन जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, जो जिन्होंने 50 साल से बल्ब का मुंह नहीं देखा था, उन गांवों में उन मोहल्लों में अपनी निधि से विद्युतीकरण कराया है। और राजीव गांधी जो एक विद्युतीकरण योजना चली थी, उसमें मेरे लगभग 42 से 48 गांव ऐसे थे जिसमें आज़ादी से लेकर आज तक लाइट नहीं आई थी। उन गांवों को चिन्हित करके, उन गांवों को स्वीकृत करा के उन गांवों में लाइट कराने का काम मैंने किया है। और भविष्य में जब मेरी सरकार बनेगी और सरकार में हम लोग आएंगे, तो प्राथमिकता जो मेरी रहेगी वो शिक्षा पे और ज़्यादा रहेगी। बिलसी तहसील क्षेत्र में सरकार का कोई योगदान नहीं, जनता की मांग रही है, वहाँ क्षेत्र के हमारे सब किसानों की मांग रही है कि हमें वहाँ एक रोडवेज का अड्डा मिले। बड़ी उम्मीदें थी सरकार से कि रोडवेज मिल जाएगा, एक बाईपास मिल जाएगा जो अंदर से आवागमन की एक समस्या है पूरी, सीओ आवास मिल जाएगा। आगजनी जब फसलें खड़ी होती हैं और जब आगजनी की स्थिति आती है तो फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा नहीं है। रोडवेज है, इसको लेके आए दिन रोडवेज जाम लगते रहते हैं। डिग्री कॉलेज है, आए दिन उसमें कोई ऐसी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, BSC वगैरह ये नहीं है यहाँ पर, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। रोज़ ही ऐसे दिक्कतें आ रही हैं जो सरकार के, अगर विधायक जी शायद सरकार में होते तो ये काम होता। अब विधायक विरुद्ध हैं और सरकार किसी की है, इसलिए ये सारे काम नहीं हो पा रहे हैं।